very good morning all of you class 6th science chapter second class 6th science chapter second component of food yesterday we have completed our first chapter today we will read our second chapter okay let's see learning objective to understand various component of food and their function component of food भोजन के भाग हिस्सा अवयव क्या क्या भोजन में हमारे रहता है टू अंडरस्टैंड वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ फूड एंड देयर फंक्शन भोजन के विभिन्न अवयव और उनके क्या कार्य होते हैं द नीड ऑफ बैलेंस डाइट संतुलित आहार की क्यों आवश्यकता होती है ओबिसिटी एंड malnutrition. मोटापा और कुपोषण द डिफिशियंसी डिजीजेज एंड देयर कॉजेस किसी चीज़ की कमी से जो हमको बीमारियां होती हैं क्यों होती हैं उसका क्या कारण होता है लेट्स बिगिन फूड इज फूड इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ फूड इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ भोजन जो है हमारे जीवन की एक मुख्य क्या है जरूरत है आधारभूत आवश्यकता है भोजन जो है हमारे जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता है वी कांट लिव विदाउट फूड इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स इट मीन्स ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड सभी को भोजन की जरूरत है जो कि लिविंग बींग्स हैं फूड इज सबस्टेंसेस विच प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्री न्यूट्रिय फॉर our growth and development for daily activities it is also protect us from various diseases food is substance which provide it means food provide us food give us essential necessary nutrients food give us necessary nutrient for our growth and development for daily activity it also protect us from various diseases food आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डि डिजीजेज इस मीन इट मीन्स भोजन जो है हमें क्या प्रदान करता है ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करता है जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है और इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डि डिजीजेज और बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फूट टाइप्स ऑफ फूड मीन्स काइंड ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन ऑन द बॉडी फूड कैन बी क्लासीफाइड एज कितने ग्रुप में बांटा गया देखिए अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इसके कार्य के अनुसार इसे इस शरीर में इसका क्या वर्क है इसके हिसाब से इसे देखिए कितने पार्ट में बांटा गया है फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड फूड दैट गिबर्स एनर्जी एनर्जी गिविंग फूड आल फूड आइटम्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी आल फूड आइटम्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी लाइक शुगर सीरियल्स जेगरी ऑयल्स फैट स्टार्च वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट एटसेट्रा आर एनर्जी गिविंग फूड एक ऐसे भोजन है जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं एंड नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड द फूड आइटम्स दैट प्रमोट ग्रोथ द फूड आइटम दैट प्रमोट ग्रोथ लाइक मिल्क पल्सेज मीट एग फिश एटसेट्रा आरकार बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है जो कि हमको ग्रोथ प्रदान करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा मिल्क पल्सेज मीट एग फिश एटसेट्रा एंड नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड फूड आइटम्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फूड आइटम फूड आइटम विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज अगेंस्ट डिजीजे इनकलूड इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स लाइक मिल्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वे भोजन जो कि हमारे शरीर की को बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं विटामिनस एंड मिनरल्स इंक्लूड विटामस एंड मिनरल्स एग्ज़ाम्पल मिल्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल्क होता है हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं और फ्रूट्स होता है तो हम सबको आप अगर अपनी बुक पढ़ते हैं देखते हैं समझते हैं तो देखिए आपको क्या क्या खाना आवश्यक है देखिए प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या आते हैं मिल्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो कि आप लोग ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हो पत्तीदार तो सब्जी आप बिल्कुल नहीं खाओगे केवल आलू ही खाना है तो नहीं तो आपको आज से सारी चीज़ें खाना है कॉम्पोनेंट ऑफ फूड कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न In the previous chapter we have learned that each dish is made up of one or more ingredients which we obtain from plants and animals. इसके पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो भोजन होता है जो खाने का सामान बनता है उसमें एक दो तीन कव, कई अवयव मिलकर हमारा भोजन बनता है विच वी obtain फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट ingredients कंटेंट डिफरेंट कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड बाई अवर बॉडी अलग अलग तरह के अंश जो, जो है उनमें अलग अलग तरह के भाग होते हैं पार्ट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड अवर बॉडी डीज कंपोनेंट्स आर नॉन एज न्यूट्रिय क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ये सबस्टेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इस कार्ड न्यूट्रिएंट्स व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज इज ए एसेंशियल सबस्टेंस कैसा सबस्टेंस है जरूरी सबस्टेंस है न्यूट्रिएंट्स इज अ एसेंशियल सबस्टेंस फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ जीवन और विकास को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल सबस्टेंस क्या है न्यूट्रिएंट्स है तो आज आप लोग इस चैप्टर को एक बार खुद से रीड करोगे सारे लोग ठीक और समझे रहोगे कल हम नेक्स्ट पेज पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पढ़ाएंगे ओके बाय